उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की लंबित मांगों को अतिशीघ्र पूरा किए जाने की मांग को लेकर संघ के जिला इकाई के सदस्यों ने मंगलवार को सदर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लेखपाल संघ के सदस्य अपनी 8 सूत्रीय मांगों में वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित राजस्व उप निरीक्षण सेवा नियमावली को कैबिनेट में पारित कराने, लैपटॉप स्मार्टफोन का वितरण, राजस्व निरीक्षण पदोन्नति में संग्रह अमीन तथा भूमि अमीन का कोटा समाप्त किए जाने तथा आधारभूत सुविधा एवं संसाधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष नीलकंठ दुबे ने कहा कि सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिससे लेखपाल आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। अगर हमारी मांगे शीघ्र पूरा नहीं की जाती हैं, तो मजबूरन हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अपनी मांगे लेके रहेंगे, योजना नहीं अगर होगा लेखपाल संघ वर्ष 2016 में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत था। तत्कालीन प्रदेश की सरकार ने हमारी 6 मांग से एक मांग पूरा करते हुए सारी मांगों पर आश्वासन दिया था, एक महीने में किया पूरा हो जाएगा, लेकिन वह सरकार चली गई। वर्तमान सरकार के संज्ञान में यह बात लाया गया, वह केवल हमको आश्वासन देते रहे। हमारी वही पुरानी 6 सूत्री मांगे हैं, वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, पदनाम परिवर्तन, ई डिस्ट्रिक्ट का कार्य जो हम लोग करते हैं, आय जात अधिवास, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग प्राइवेट दुकानों से, सर्वे कैफे से बैठ करके आय जात अधिवास अपने लगाते हैं, जो निजी अपने जेब से अपने वेतन के पैसे से भुगतान करते हैं। हमारी मांगें हैं लैपटॉप, लैपटॉप विगत 2 वर्षों से हमारी मांग स्वीकृत है। 40 करोड़ रुपए राजस्व परिषद में पड़े हुए हैं, 2 वर्ष में उसकी खरीदारी अब तक क्यों नहीं हुई, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा 40 करोड़ रुपया जब परिषद शासन ने परिषद में दिया, उसकी लैपटॉप की खरीदारी अब तक किन परिस्थितियों में नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है। इसीलिए इस सब मांगों को लेकर के हम आंदोलनरत हैं। अभी तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व का आह्वान है। आंदोलन का यह तीसरा चरण आज शुरू हुआ है, जो तीसरे चरण का पहला दिन है। फिर आगे जैसा भी प्रदेश नेतृत्व का आह्वान होगा, जारी रहेगा आंदोलन, जब मांग हो पूरी होने तक जारी रहेगा। यह हमारा प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है।